सुरेश जी, सरकार ने हाल ही में चने और मसूर की MSP भी बढ़ाई है, तो एक तरफ तो सरकार MSP बढ़ा रही है, दूसरी तरफ इंपोर्ट कर रही है, तो आपको क्या लगता है, क्या ये फैसला सही है सरकार का? नहीं, MSP जो चने में बढ़ाई है वो तो काफी कम है, चने में कम से कम 400 रुपए क्विंटल MSP बढ़ना थी, एक बार 130 रुपए बढ़ाई है, और तुअर मसूर में भी MSP 400 बढ़ी है, वर्तमान में मसूर का भाव जो है MSP से काफी ऊपर चल रहा है, तो MSP तो हर साल जो एक निरंतर प्रक्रिया है उसके तहत महंगाई को ध्यान रखते बढ़ती है, मगर इस बार MSP काफी चने में कम बढ़ाई है सरकार जी। आयात करने का सरकार का निर्णय है वो MSP और दोनों में डिफरेंस है, क्योंकि आयात करने के कई कारण होते हैं, देश में उत्पादन करना, देश में बारिश के मौसम से माल खराब होना जी, देश में उत्पादन में वृद्धि होना, तो ऐसे कई निर्णय होते हैं, कमी और वृद्धि, इन सब पे आयात का निर्णय किया जाता है, इस बार उत्पादन भारत में कम हुआ है जी। इस बात को ध्यान रखते हुए ये कई देशों से उन्होंने समझौते किए जी, जो मैंने अभी आपको नाम दिए हैं जी, तो उस प्रकार से ये, मगर किंतु सरकार जो पॉलिसी बना रही है वो निर्मला सीतारमण ने 2018 में पॉलिसी निर्धारित की थी, 2019 में निर्धारित की थी, 2020 में निर्धारित, उन तीनों सालों की पॉलिसियों को मदद दिया जी। उन तीनों सालों की पॉलिसी गवर्नमेंट की बहुत सही थी, उसमें आयात निरंतर होता था, 12 महीने तक होता था, दाल महीने दाल इंडस्ट्रीज आयात करती थी, हर महीने माल आता था। अब जो पॉलिसी बनी है वो 5-6 महीने के लिए बनी, अब जो पॉलिसी है उसको 31-10 तक के लिए उन्होंने अवधि दी है, तो उन्होंने पॉलिसी 4-5 महीने के लिए की, जब 4-5 महीने की कोई पॉलिसी भारत सरकार बनाती है तो विदेश से माल आने में कम से कम मिनिमम 2 महीने लग जाते हैं, कनाडा जैसे साउथ अफ्रीका से आने में 2.5 से 3 महीने लगते हैं, और जब पॉलिसी आप अगर कम समय की बढ़ाते हैं तो देश के बाहर के व्यापारी अपने यहाँ $200 प्रति टन और $200 के अलावा कंटेनर के भाड़े शिपिंग कंपनियों के भाड़े बढ़ा दे, तो उसका सीधा सीधा नुकसान भारत के उपभोक्ता किसान को और व्यापारी को होता है, क्योंकि उनको मालूम है कि 6 महीने की पॉलिसी बनेंगे, 1 साल के लिए कम कर दिया, 90 दिन तो माल आयात में लगेंगे, तो मूलतः पॉलिसी की मुख्य अवधि हो जाती है 3 महीने, क्योंकि 3 महीने पहले जो माल निकलेगा वो यहाँ समय अवधि में आएगा, तो ऐसी छोटी छोटी पॉलिसी बनाने से विदेशों में कीमत बढ़ती है और यहाँ भी कीमत बढ़ती है, यहाँ के आम उपभोक्ता जी। ये बात अभी 3 दिन पहले मीटिंग में मैंने वाणिज्य उद्योग मंत्रालय के प्रमुख सचिव से किया और उनके ध्यान में भी पाया, उस समय कृषि मंत्रालय के अधिकारी भी थे, FSI मंत्रालय के अधिकारी भी थे, तो उनसे मैंने ये बात स्पष्ट की कि आपने रिकॉर्ड में तो 6 महीने का लिखा है, मगर बेसिकली वो पॉलिसी 3 महीने की रही, क्योंकि 3 महीने में माल लोड होगा, इंडिया आएगा तो वो तो रास्ते का समय है, सैंपल का समय, माल डिलीवरी होने का समय, विदेश से बंदरगाह पे आने का समय, जहाज का इंडिया आने का समय, तो 2 से 3 महीने उसमें लग जाए, तो हमने उनसे पॉलिसी का संशोधन करने का अनुरोध किया। सुरेश जी, आपसे जानना चाहूंगा कि सरकार ने चना और मसूर की जो MSP बढ़ाई है, आपको क्या लगता है MSP कितनी होनी चाहिए थी कि किसानों की लागत भी निकल जाती और मुनाफा भी हो जाता? नहीं, चने की MSP का हमने 6,000 सरकार से अनुरोध किया था जी, कि आप इसकी MSP 6,000 रुपए रखें, और 6,000 रुपए की जगह सरकार ने 130 रुपए इस साल बढ़ाई है, पिछली बार तो अलग बात थी, मगर इस बार उत्पादन कम हुआ है जी, चने का मध्य प्रदेश राजस्थान में उत्पादन कम हुआ है, तो चने की MSP पिछले वर्ष की तुलना अधिक बढ़ाने की आवश्यकता थी, मगर उससे कम बढ़ी है, मगर ये सरकार का निर्णय है, जिनको निर्णय लेने का अधिकार है उन्होंने सोच समझ के दिया होगा जी। तो यानी कि चने की MSP जिस अनुपात में बढ़नी चाहिए थी उतना नहीं बढ़ाई गई है सरकार द्वारा, कम से कम 6,000 रुपये प्रति क्विंटल होनी चाहिए थी सुरेश जी के अनुसार, तब जाके किसानों की लागत निकल पाती, जिस हिसाब से अभी महंगाई दर बढ़ रही है, साल दर साल महंगी कीमतें देखने को मिल रही हैं, लेबर कॉस्ट आती है और उस पर जो दवाइयां लगती हैं, पेस्टिसाइड्स लगते हैं, उन सब की मद्देनज़र
जो एमएसपी है वो थोड़ी और ज़्यादा बढ़ानी चाहिए थी, ताकि किसानों की एटलीस्ट लागत तो निकल पाए और मुनाफा भी थोड़ा बहुत किसानों को हो पाए। सुरेश जी, आपसे जानना चाहेंगे इस समय आपकी तरफ से चना और दाल व्यापारियों के लिए क्या रणनीति रहेगी, क्या सजेशन रहेगा कि इस समय चना और दाल के व्यापारी और कारोबारी क्या करके चल सकते हैं, अगर जैसे आपको अगर बाजार लगता है कि आगे तेजी आएगी या मंदी? नहीं, तेजी मंदी उत्पादन और मांग और आपूर्ति के ऊपर निर्भर करता है जी। हमने देखा इस साल मध्य प्रदेश राजस्थान में चने का उत्पादन घटा है, मगर ठीक इसके विपरीत जो गुजरात में चना होता था वहाँ लगभग 3 लाख मेट्रिक टन 3.5 लाख मेट्रिक टन चने का उत्पादन होता था जी। वो लगभग 8 लाख से 9 लाख मेट्रिक टन हुआ, तो गुजरात में उत्पादन बढ़ा है। तो ये मत कहीं घटा है कहीं बढ़ा है, मगर ये जरूर है कि किसान को अगर हम चने का 6,000 रुपए मूल्य देंगे तो वो उत्पादन और बढ़ाएगा, जब तक उसका लागत मूल्य, उसकी मजदूरी, उसकी काश्त, दवाई खाद बीज इनका खर्चा नहीं निकलेगा तो वो दलहन के उत्पादन में कम रुचि लेगा। अब किसान तिलहन के उत्पादन में रुचि लेगा क्योंकि तमाम तरह के तेल, मूंगफली का तेल, सरसों का तेल, सभी तेल आइलफील्ड में काफी कीमतें कई गुना बढ़ी है, तो किसान उस तरफ ज्यादा खेती पर ध्यान देगा, सरसों की खेती करना, मूंगफली की खेती करना, सोयाबीन की खेती करना। तो सरकार को चने की मिनिमम सपोर्ट प्राइस बढ़ाना थी ताकि वो दलहन के उत्पादन में किसान अपना योगदान दे, अपनी रुचि रखे, वो दूसरे फसलों में डाइवर्ट ना हो जी। अब आगे भविष्य में जो देखा जाए तो नई फसल की जो बुआई है वो दिवाली पे होती है, गेहूं कटने के बाद मध्य प्रदेश, राजस्थान, महाराष्ट्र में चने का उत्पादन के लिए सोइंग होती है, तो नया चना जो है वो जनवरी तक आएगा, तो आज लगभग 4 महीने का उसमें गैप है नई फसल आने में। तब तक चने में कोई मंदी आए ऐसी संभावना नहीं है, बाजार नीचे जाए इसकी भी उम्मीद कम है जी। मौसम के कारण कोई परिवर्तन हो वो एक अलग फैक्टर है, पर अभी तो सब ठीक है क्योंकि चने की अभी बुआई प्रारंभ नहीं हुई है, जब प्रारंभ होगी उस समय इसका मेन असर आएगा। एक तरह से देखा जाए तो चने में सरकार को चिंता करना चाहिए, चने का उत्पादन बढ़ाने के लिए पुनः एमएसपी पर विचार करना चाहिए ताकि किसान इस पर जाए। एमएसपी उड़द की भी कम है, एमएसपी तुअर की भी कम है, चने की भी कम है। जब हम एमएसपी कम रखते हैं तो ऑयल सीड में, सोयाबीन में किसान डाइवर्ट होगा, तो इस बात को चिंता करना होती है। अगर हमारे यहाँ एमएसपी सही रहे, किसान की लागत मूल्य मिले, तो हमको विदेश से आयात करने की जरूरत नहीं। अभी सरकार ने जिनको आयात की अनुमति दी है, इस बार पॉलिसी परिवर्तन करके अनुमति दी है, तो उसके कारण उन लोगों के पास माल चला गया है जो देश के बाहर से लाके अपने गोदाम में, अपने वेयरहाउस में स्टोर कर सकते हैं। दाल इंडस्ट्रीज को लाइसेंस देते तो वो माल मंगा के दाल बनाते और दालों की निरंतर सप्लाई करते, तो सरकार को पॉलिसी नहीं किया, हमसे बंद करना चाहिए। हमने ये बात अभी 3 दिन पहले माननी प्रमुख सचिव के समक्ष रखी भी थी कि आप गोदामों में जो माल है उसको बाहर निकालिए, दाल तो दालमिल वाला बनाता है, कोई ट्रेडर्स व्यापारी, कोई इंपोर्टर, बड़ी बड़ी कंपनियां दाल में बनाती है, बड़ी बड़ी कंपनियां जहाज के जहाज भर के ले आती है आयात की अनुमति के अंतर्गत, मगर उसको प्रोसेस करना, दाल बनाना, देश की आम जनता को दाल उपलब्ध कराना, यह काम दाल इंडस्ट्रीज करती है। तो दाल इंडस्ट्रीज को अगर सरकार आयात की अनुमति देती तो कीमतें भी एकदम नहीं बढ़ती और हर महीने आयात होता। अभी आयात कुछ समय के लिए सीमित है, उसके कारण ये दिक्कत हो रही। मैंने सरकार से ये भी कहा है कि 31/10 को जो आपने आयात की अवधि खत्म की है उसको आप 31 मार्च करें तो ताकि वो आयात हो सके जी। तो यानी कि अगर आयात की अनुमति सरकार दाल मिलों को दाल मिल इंडस्ट्री को देती है तो कीमतें भी एक दायरे में रह सकती है, सबको फायदा भी हो सकता है और वक्त पर आयात भी हो सकता है, क्योंकि आयात तो बड़ी बड़ी कंपनीज और इंपोर्टर्स कर लेते हैं लेकिन उसको आगे प्रोसेस करना वो दाल मिल इंडस्ट्री करती है और दाल मिल इंडस्ट्री के ही हाथ में है पूरी रिपोर्ट्स वगैरह ये सब कि अभी कितनी ज़रूरत है, कितनी निर्यात आयात देखने को मिल पाएगा और आगे क्या आंकड़े रह सकते हैं, बुआई की रिपोर्ट्स, बुआई के आंकड़े।
तो दाल मिल इंडस्ट्री को इन सब चीजों का ज्यादा पता रहता है, तो अगर इनके हाथ में आयात का फैसला दिया जाए तो जो दालों की कीमतें हैं वो भी ठीक ठाक देखने को मिल सकती हैं और किसानों को भी फायदा मिल सकता है।